सैयद मोदी रेलवे स्टेडियम के ग्राउंड पर वैलेंटाइन अंडर 19 फुटबॉल प्रतियोगिता के तहत मैच खेला गया, जिसके संबंध में जिला फुटबॉल संघ के सचिव हमजा खान ने बताया कि यह वैलेंटाइन अंडर 19 फुटबॉल प्रतियोगिता है, जिसमें प्रदेश की कुल 8 टीमें भाग ले रही हैं, जो कि फुटबॉल क्लब के तत्वाधान में 25 दिसंबर से 31 दिसंबर तक मैच आयोजित है, जिसमें खेल छात्रावास व प्रदेश की टीमें भी भाग ले रही हैं। इसके साथ ही 2 स्थानीय टीमें भी भाग ले रही हैं। उन्होंने बताया कि कुल 200 खिलाड़ी पूरे प्रदेश से भाग ले रहे हैं। इसमें उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को 31 दिसंबर को समापन के अवसर पर सम्मानित किया जाएगा। सौरभ कुमार जिनका संबंध को कुछ इंस्ट्रक्शन देते हुए निरंतर ये इनकी खेल भाव ये हम लोग मेरे सहयोगी हैं सभी लोग। ये हमारे वाइस प्रेसिडेंट डेविड श्रीस्टा, प्रिंसिपल सर जू। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला फुटबॉल संघ के सचिव हमजा खान ने कहा, अंडर 19 फुटबॉल प्रतियोगिता है, जिसमें प्रदेश की कुल 8 टीमें प्रतिभाग कर रही हैं, और ये वैलेंटाइन फुटबॉल क्लब के तत्वाधान में 25 दिसंबर से 31 दिसंबर तक आयोजित है, जिसमें खेल छात्रावास और स्पोर्ट्स कॉलेज की टीमें प्रदेश की प्रतिभाग कर रही हैं, और 2 टीमें स्थानीय हैं गोरखपुर की, एक कुशीनगर और एक बहराइच DFA है। सर, तो कितने छात्र इसमें भाग ले रहे हैं? करीब करीब 200 खिलाड़ी हैं इसमें प्रतिभाग कर रहे हैं पूरे प्रदेश से। समापन कब होगा? समापन इसका 31 को है, 31 दिसंबर 2023 को। सम्मानित किया जाएगा इन लोगों को? खिलाड़ियों को पुरस्कृत तो किया ही जाना है, कमेटी द्वारा ये डिसाइडेड है, और इस प्रतियोगिता का उद्घाटन पूर्वोत्तर रेलवे क्रीड़ा संघ के महासचिव पंकज सिंह द्वारा किया गया था 25 तारीख को, और उन्होंने इस प्रतियोगिता की सफलता के लिए अपनी शुभकामना भी दी।